हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकारों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम जरूर शामिल होगा। ऑन स्क्रीन पर इन दोनों सुपरस्टार की जोड़ी काफी सफल रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर भी बिग बी और रेखा का नाम काफी चर्चा में रहा है। एक बार अमिताभ संग रिश्ते पर रेखा ने सरेआम चुप्पी तोड़ी थी। फिल्मों में ऑन स्क्रीन कपल को लेकर असल जिंदगी में एक साथ होने की खबरों को लेकर हिंदी सिनेमा के कलाकारों का नाम लंबे समय से सुर्खियां बटोरते आ रहा है। इस कड़ी में मिस्टर नटवर लाल फिल्म कलाकार अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम भी शामिल होता है। अपने दौर में असल जिंदगी में एक साथ होने को लेकर रेखा और अमिताभ को लेकर खूब खबरें सामने आई थी, लेकिन इस पूरे मामले पर रेखा ने 20 साल पहले ही चुप्पी तोड़ दी थी और बताया था कि क्या सच में उनके दिल में बिग बी को लेकर कुछ खास था। साल 2004 में रेखा ने सिमी ग्रेवाल को एक इंटरव्यू दिया था। इस दौरान सिमी ने अमिताभ बच्चन संग रिश्ते को लेकर सवाल पूछा, जिस पर रेखा ने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया था कि ये सवाल बिल्कुल ही गलत है, मेरा और उनका कोई पर्सनल रिश्ता नहीं रहा और ना ही मैंने कभी उनसे प्यार किया। ये सब बाहरी लोगों ने गलत धारणा फैलाई जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। इस तरह से रेखा ने इस बात का साफ तौर पर खंडन कर दिया था कि उनके और अमिताभ बच्चन के बीच कुछ पर्सनल था। मालूम हो कि रेखा और अमिताभ की जोड़ी फिल्मों के हिसाब से काफ़ी हिट रही। सिर्फ इतना ही नहीं, फैंस को भी इन दोनों जोड़ी काफ़ी पसंद आती थी। अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम आपस में काफ़ी बार जोड़ा गया, लेकिन रेखा के इस इंटरव्यू के बाद उनके रिश्तों की खबरों पर पूर्ण विराम लग गया। गौर करें रेखा और बिग बी की फिल्मों की तरफ तो उनमें सिलसिला, मिस्टर नटवर लाल, लवा खराब, दो अनजाने, अलाप, फोन पसीना और मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई मूवीज़ के नाम शामिल हैं।